हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन की। सफलता और खुशी जीवन के दो पूरक हैं, और इनमें से अगर एक भी चीज़ नहीं रहती है हमारे जीवन में तो दूसरे का मिलना मुश्किल सा हो जाता है। हर समय ऐसा संभव नहीं है कि हर कदम पे हमें सफलता हाथ लगे या हर वक्त हम खुश रहें, और ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवन में संतुलन बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि आप नई कामयाबी की ओर बढ़ सकें। और इन्हीं कामयाबियों को या सफलताओं को पाने का हम प्रयास अक्सर करते हैं, लेकिन कई बार हमें सिर्फ हार का सामना करना पड़ता है। इसके लिए एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। एक बार समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। बहुत सीधे साधे लोग थे, जीवन आराम से बिताते थे, और उन सबको एक चीज़ बहुत रोमांचित करती थी, और वो था समुद्र में एक चमचमाता हुआ द्वीप, आइलैंड जिसे कहते हैं। लोग कई पीढ़ियों से किस्से सुनते आ रहे थे, लेकिन वहाँ जाने का हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। लेकिन दो ऐसे चंचल बच्चे थे, पीटर और हेनरी, और दोनों दोस्त थे और हमेशा उसके बारे में बातें करते थे। और एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि उस सुनसान और निर्जन द्वीप पर जाएंगे। उन दोनों ने निर्णय किया कि वे रातों रात उस टापू पर जाकर लौट आएंगे ताकि कोई जान नहीं सके और कम से कम लोग उनको देख पाए। उन्होंने रात को यात्रा आरंभ की। सारी रात नाव चलती रही, अगली सुबह देखा तो वहीं के वहीं खड़ी थे। अब सोचिए क्यों? क्योंकि वो लंगर खींचना भूल गए थे। अब दूसरी रात फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो आज फिर छुपते छुपाते, वो बोले कि आज तो हम जाके ही रखेंगे। उन्होंने लंगर खींच ली और नाव चलाने लगे। फिर पूरी रात नाव चलाई, सुबह देखा तो वहीं के वहीं खड़े। अब ये तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि क्यों खड़े थे वहीं के वहीं। क्योंकि दोनों उल्टी दिशा में नाव चला रहे थे, नाव एक इंच भी नहीं हिली थी। अब तीसरी रात फिर उन्होंने डिसाइड किया, बोला आज तो हम सावधानी से नाव चलाएंगे। लंगर उठाई और एक ही दिशा में चले, पर फिर सुबह देखा वहीं के वहीं खड़े हैं। अब बताओ क्यों? क्योंकि रडार की उन्होंने दिशा नहीं बदली थी। पूरी रात एक ही जगह घूमते चले गए। अब पीटर और हेनरी पस्त हो गए और फिर एक बड़े बुजुर्ग थे उनके पास गए, पूछा ये क्या चल रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। तब उस बुजुर्ग इंसान ने कहा, रात को यात्रा मत करो, वायु का प्रवाह दिन को यात्रा करने योग्य है। और फिर दोनों मित्रों ने उनकी बात मान ली। अगले दिन सुबह दोनों मित्र चले, लंगर हटाया, एक साथ नाव खेने लगे, रडार पर ध्यान दिया। नाव आगे बढ़ी और मछुआरे ने कहा, अगर उस द्वीप पर खाना ना मिला तो तुम दोनों क्या करोगे। तब पीटर बोला चलो मछली पकड़ेंगे। तभी पीटर और हेनरी ने देखा कि एक शार्क मछली मुंह खोले उनकी तरफ आ रही है। हेनरी की तो हालत बिगड़ गई, डर के मारे नाव से कूद गया और पास से जा रहे जहाज पर चढ़कर गांव वापस चला गया। पीटर ने हिम्मत नहीं हारी और शार्क के मुंह में पतवार को घुसा दी, जिससे शार्क भाग गया। अब पीटर आगे बढ़ा और दो घंटे बाद उस द्वीप पर पहुंच गया। द्वीप बिल्कुल, जो आइलैंड था वो बिल्कुल वीरान था, बंजर था, कोई नहीं, कोई लाइफ की चिन्ह नहीं वहां पे। वो उदास हो गया, लेकिन उसको लगा कि चमक रहे थे दो चार पत्थर, तो उसने उठाकर अपने पॉकेट में रख लिए ताकि बच्चे खेल सके। ये पत्थर उसने जाकर के बच्चों को दे दिया और खेलते समय एक सुनार की नज़र उस पर पड़ गई। उसने पीटर को बोला कि ये पत्थर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। पीटर ने हैरानी से पूछा कि ये क्या है, क्यों इतने महंगे। तो कहता ये बेशकीमती हीरे हैं। पीटर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, हमारे जीवन में निरंतर बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती रहती है, पारिवारिक हो, व्यवसायिक हो, और भी बहुत तरह की शांति, कलह, सब तरीके की चीज़ हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। हम किसी एक चीज़ में निपुण नहीं हो सकते, लेकिन कोई भी काम जब आता है तो हम उसे कैसे संभालते हैं ये हमारी सफलता को डिसाइड करता है। असफलता का मतलब क्या होता है, फेलियर का मतलब क्या होता है? सफलता का प्रयास हमने पूरे मन से नहीं किया। इसलिए जब भी फेलियर्स आए लाइफ में, हारना नहीं है, समझ जाइए कि हमने अपने काम को तरीके से नहीं किया, कुछ ना कुछ मिसिंग है। जैसे क्या था, लंगर नहीं खुला, कभी उल्टी दिशा में नाव चला रहे हैं, कभी वो रडार को नहीं घुमाया उन्होंने, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही समय में सही काम नहीं करे। इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, सपने देखने चाहिए, लक्ष्य बनाने चाहिए, और बाधाओं को सामना करके क्या किया, पीटर कूद गया, हेनरी चलाता रहा, हेनरी कूद गया और पीटर ने
वहां पहुंचा। तो बाधाओं से हारना नहीं है, उसी दिशा में काम करते रहे, सही दिशा पर, और आप देखेंगे सफलता आपके जरूर हाथ लगेगी। रोज सुबह अपने, ऐसा नहीं है कि सफलता अगर हाथ नहीं लग रही, आप ये सभी चीजें कर रहे हैं मैं मान लेती हूँ, लेकिन फिर भी आपको सफलताओं में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं मिलती है सक्सेस आपको, तो एक बार अपनी दिनचर्या पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने बहुत सारी बातें, सिर्फ काम करना या पैसे कमाना या सक्सेस के लिए दौड़ते रहना ये सही नहीं है, इसके अलावा हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारी लाइफस्टाइल होती है, हमारी मेंटल हेल्थ होती है, इन सभी के बारे में भी हम शास्त्रों में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है, क्या करना चाहिए, सुबह क्या करना चाहिए, शाम को क्या करना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए। रोज पे जल्दी उठे, स्नान करें, सूर्य देवता का ध्यान करें, क्योंकि सूर्य हमें एनर्जी देते हैं। वो कहते हैं ना कि रोबोट को चार्ज करना है तो इलेक्ट्रिक में लगा दो, इसी तरह से सूर्य देवता के सामने आप खड़े होंगे तो आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी। अच्छे से रहें, लोगों की बुराई, चुगली, किसी के बारे में गुटरगू ना करें और क्रोध ना करें। क्रोध करने से किसी की हानि नहीं होती, आपके अपने शरीर की हानि होती है, इस बात का ध्यान रखें। और अक्सर मैं बताती हूँ काफ़ी सारी बातें जो शास्त्रों में लिखी कि सुबह क्या करना चाहिए, दिन में क्या करें, शाम के समय कौन से काम करने चाहिए, नहीं चाहिए। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे धर्म ग्रंथ है, सब कुछ आज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है हम मॉडर्नाइजेशन की आड़ में वो छोटी छोटी चीज़ें, आपने अक्सर घर के बड़ों को कहते सुना होगा कि दिन ढलने के बाद ऐसा नहीं किया करो, वैसा नहीं किया करो, खासकर जब झाड़ू की बात आती है तो अक्सर घरों में कहा जाता है कि शाम के बाद आपको झाड़ू नहीं मारना चाहिए, घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ है जो रात की रोशनी में दिखाई नहीं दे आपको, ट्यूबलाइट की रोशनी में दिखाई ना दे, वो बाहर फेंक ना जाए, इसलिए शाम के बाद झाड़ू मारने के लिए मना किया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दो ऐसा टाइम होता है जिसको हम संधि काल कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रात के लिए भोजन हो, सोना हुआ, ये सभी के संबंध में बहुत सारी बातें बताई गई है। रात से पहले जो शाम का समय होता है यानी संध्या जिसे हम कहते हैं, वो देव पूजन के लिए विशेष माना गया है। इस क्यों माना गया है, इससे मनुष्य दिन भर जो उसने किया, दिमाग में बुरी बुरी बातें भी आई, अच्छी भी आई, हम कहीं भी जाते हैं, अच्छे बुरे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, मन हताश भी होता है कई बार कुछ गलत चीज़ें भी हम जिंदगी में देख लेते हैं, तो जो भी विकार हमारे मन में दिन भर आए हैं वो शाम होते होते हमारे जीवन से विकार दूर हो जाए। मन में जितनी नकारात्मकता हमने दिन भर इकट्ठी की है वो सभी हमारी रात तक खत्म हो जाए, ताकि हम शांति की पीसफुल नींद ले सकें। लोग कहते हैं पूजा क्या करना है, शाम को क्या होगा भगवान का पूजन करके, कुछ नहीं होगा। आप शाम को गूगल की धूप और कपूर जला लीजिए शाम के समय अपने घर में, देखिए एक पीसफुल सी सुगंध होगी, एक खुशनुमा माहौल होगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, बस यही है। हमारा काम क्या है, हमें शाम के समय सकारात्मक ऊर्जा अपने घर में ज्यादा करके रखनी है, यही हमें करना है। आप देखते होंगे कि जो भी गलत काम की बातें होती है वो कब के लिए होती है, रात के समय होती है, रात के अंधेरे में नकारात्मकता का आधिपत्य ज्यादा होता है, इसलिए शास्त्रों में कुछ काम है जो बोले गए रात के समय नहीं करना चाहिए, खासकर सूर्यास्त के समय ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि देवी देवता अप्रसन्न हो जाएं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और करने चाहिए ताकि लक्ष्मी माँ हमसे रुष्ट ना हो। जैसे कि छोटी सी बात है, शाम के समय सो जाते हैं अक्सर, तो नहीं सोना चाहिए। शाम को सोने का क्या काम है, शाम को सोएंगे आलस बढ़ेगा, बीमारियाँ आएंगी, और अगर शास्त्रीय रूप से देखे जाए तो लक्ष्मी माँ रुष्ट होती, कहते जिस घर में शाम के समय लोग सोते हैं उस घर में दरिद्रता आती है। जो गर्भवती महिलाएं होती, बीमार व्यक्ति होती, बुजुर्ग होते हैं, उन्हें आप रोके टोके नहीं, ऐसा नहीं, मुझे एक लेडी ने लिखा मेरे ससुर जी रोज शाम को सो जाते, समझते नहीं है, घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो ये नहीं, आप उनको डांटिए नहीं ऐसे, वो बुजुर्ग हैं, उनके सोने से आपके घर में कुछ नहीं होगा, आप ना सोएं, आपके हस्बैंड ना सोएं, इस बात का ध्यान रखें। जो बीमार है उनको नहीं वो सो सकते, बाकी लोगों को सोने से बचना चाहिए। शाम ढल रही है उस समय कपूर जलाएं, सभी कमरों में घुमाएं, मुख्य द्वार पर जरूर दिखाएं, इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा जाती है, माता लक्ष्मी का वास होता है घर में, सुख शांति का वास होता है। इस समय आपको कई सारे वैदिक उपाय बताए हैं, जैसे कि अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो कड़ी मेहनत तो आप करते ही हैं, अगर लेकिन फिर भी कुंडली के ग्रह दोष हो, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही है, तो आपको छोटे छोटे बात का ध्यान रखना है, जैसे शाम के समय किसी को पैसे नहीं देने चाहिए,
इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। घर में व्यापार में बरकत नहीं होती, जो शॉपकीपर्स हैं उनका लेन देन चलता रहता है, उन्हें नहीं रोका जा सकता। बाकी घर में आप ट्राई करें कि ना दें। हाँ, इस समय शाम के समय कहते हैं कि धन की देवी प्रतिदिन शाम को माँ लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती है और इस दौरान जो भी भक्त या श्रद्धालु धार्मिक कर्म द्वारा उनको प्रसन्न करते हैं उन्हें महादेवी की कृपा प्राप्त होती है। और जिस घर में महादेवी की कृपा हो जाए उस घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं अपने आप उपलब्ध होने लगती है। इसीलिए शाम के समय माँ लक्ष्मी के निमित्त आपको घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा एक दिया जरूर जलाना चाहिए। घर की चौखट पर दिया लगाने का भाव यही है कि महादेवी लक्ष्मी का स्वागत आप दीप जलाकर रोशनी से करें। इस प्रकार से रोज आपको करना चाहिए। दीपक आप चाहे घी का लगाइए, तेल का लगाइए और घर का वातावरण भी सुगंधित होता है, इससे पवित्र भी होता है। और शाम को मैंने जैसे बोला धूप दीप करें, शाम को गुगल जलाएं। घर अगर पवित्र करना चाहते हैं तो आप घर में गंगा जल गौमूत्र का भी शाम के समय छिड़काव कर सकते हैं। सभी प्रकार के वास्तु दोष शांत होते हैं, घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और घर के सभी सदस्यों का मन पवित्र रहता है, प्रसन्न रहता है, ऊर्जावान रहता है। दूसरी चीज शाम के समय हमें जरूर करनी चाहिए, अक्सर घरों में नहीं किया जाता है, और वो है पूर्वजों को याद। पूर्वज, जन्मदाता, पितर, जो भी आप बोलिए जिनके हम वंशज हैं, वे भी देवी देवता ईश्वर के समान पूजनीय होते हैं और ईश्वर के कारण ब्रह्मांड का अस्तित्व है, वैसे ही मनुष्य का अस्तित्व पितरों के कारण ही है। पितर कौन हुए? जो पिछला शरीर त्याग चुके लेकिन उनको अभी तक अगला शरीर नहीं मिला। और इस जो पीरियड होता है इस दौरान का, वो खुद मनुष्यों जैसा ही वो फील करते हैं, ऐसा नहीं कि वो भगवान हो गए। जो बहुत स्ट्रांग पितर होते हैं, अच्छे वाले, लोभ मोह से राग द्वेष से मुक्त होते, वासना तृष्णा के बंधन से कट चुके होते हैं, वो पितर तो स्पेशली बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और ऐसे पितरों की आपको हमेशा पूजन करनी चाहिए। सच्चे भाव से रोज सुबह उनको एक लोटा जल आप उनके निमित्त अर्पण कीजिए। दक्षिणमुखी होकर के ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः बोलते हुए आप देखेंगे आपके घर में वैसे भी कष्ट नहीं आएंगे। और शाम के समय सरसों के तेल का या गाय के घी का दिया आपको दक्षिण मुखी आपकी लौ होनी चाहिए, यानी कि दक्षिण साइड में, साउथ के साइड में लौ निकले, लंबी बाती की दीपक जलाएं, लौ निकले, इस प्रकार से आपको दीपक जलाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो शाम के समय आपको ज़रूर करनी चाहिए वो है तुलसी माँ की पूजा। तुलसी को वैसे भी बहुत ही पवित्र स्थान दिया गया है हमारे शास्त्रों में और देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इनकी पूजा की जाती है। सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं, शाम को ना चढ़ाएं, शाम के समय दीपक लगाएं। जिस घर में भी माँ तुलसी की नियमित पूजा होती है वहाँ पर ध्यान रखें माता लक्ष्मी भी आपके घर पर निवास करती हैं। लेकिन इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए तुलसी का स्पर्श ना करें और घी का दिया अगर दीपक जलाएं, अगर घी का दीपक नहीं जला सकते तो तिल या सरसों का तेल का भी जला सकते हैं। जलाते समय बोले महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि जरा मुक्तम तुलसी त्वाम नमोस्तुते, या फिर तुलसी माता की जय, ऐसा बोलते हुए आपको दीपक जलाना चाहिए। जल नहीं देना, इस बात का ध्यान रखें। अब कुछ बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोग शाम को मंदिर में पहले, जो अब घर का मंदिर है उसमें पहले दिया जलाते हैं और फिर जाके घर के बाहर तुलसी माँ को दिया जलाते हैं। जबकि शाम के समय दिया जलाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले तुलसी माँ को दिया जलाएं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि पहले तुलसी को दिया जलाएं कि पहले घर में पूजन करें, तो पहले आप तुलसी जी को दिया दिखाइए, इसके बाद ये दीपक, एक दीपक आप दूसरा भी ले सकते हैं, पूरे घर में दिखाएं, भगवान को दिखाएं और पूजा घर में रख दें। इससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और जब भी तुलसी पर दिया लगाते हैं तो पहले थोड़ा सा चावल का आसन देना चाहिए। और कहते हैं कि दीपक भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है और बिना अक्षत के माँ लक्ष्मी आसन ग्रहण नहीं करती, वहाँ विराजमान नहीं होती। और अक्षत को यानी बिना टूटे हुए चावल को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए माँ लक्ष्मी को आसन देकर विराजमान करना चाहिए। चावल का प्रयोग करने से दरिद्रता भी दूर होती है और ध्यान रखें आराधना आपकी पूरी नहीं मानी जाती, इसलिए जब भी शाम को तुलसी पे दिया जलाएंगे तो उसके नीचे चावल जरूर रखें।
ठीक शाम के समय कुछ खाना पीना ना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, उसी समय चाय बना लिया, नाश्ता कर लिया। नहीं, थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में दोस्तों इस प्रकार से बताई गई है, शाम के समय ये तीन चीज़ों को कम से कम आप कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती है। काफ़ी हद तक आप इन उपायों को करके एक सहज जीवन व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। जो भी मनुष्य अपनी सोच को पॉजिटिव रखता है उसे कभी भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपने गोल से दूर हो जाते हैं कई बार, ये हमें गलती नहीं करनी चाहिए। कभी कभी जब फेलियर्स आने लगते हैं उस समय अपने गोल से ना भटकें। निराशात्मक बातें जो होती है वो आप ध्यान न दें, कुछ लोग आपको पीछे खींचते हैं, उन लोगों का ध्यान न रखें और आगे बढ़ते चले जाएँ। देखिए जिंदगी आपको कैसे बहुत सारे मीठे फल देती है। टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी। जो भी लगता है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे हार रहे हैं जिंदगी में, आगे बढ़ते बढ़ते समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, तो दोस्तों एक बार उन सभी से इन वीडियोस को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।